दी दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है दोपहर से स्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों देखिए, आज हमारे घर दोपहर में आ गया नाश्ते में घाटी। और घाटी किन किन लोग को अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और जिसको जिसको खाना है आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए क्योंकि घाटी जो है बहुत ज़्यादा ही आया हुआ है। और ये घाटी जो है भैया लेकर आए हुए बाज़ार से, हमें पता भी नहीं चला था, बाद में पता चलता है। तो फिर मैं लग जाती हूँ सबके लिए प्लेट में लगाना क्योंकि प्लेट में रखा रहता है तो सारे लोग आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये प्लेट में अपने लिए ही नहीं आप लोग के लिए भी है, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए क्योंकि घाटी तो इस टाइम बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ जो है ठंडा मिल जाता है तो और भी मज़ा आ जाता है क्योंकि गर्मियों में अक्सर करके ठंडे चीज़ और गर्म चीज़ खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारे लोग खा रहे थे, मैंने सोचा चलिए आप लोग को एक झलक दिखा देती हूँ। और दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि बोतल में क्या है, तो बोतल में पानी है, ठंडा नहीं है। अगर ठंडा रहता तो और भी मज़ा आ जाता है। तो सारे लोग खा पी लिए थे और आधे एक घंटे रेस्ट करते हैं और फिर लग जाते हैं अपने अपने कामों में। और मैं लग गई हूँ अपने कामों में, यानी कपड़े धोने में आप लोग देख ही सकते हैं। और मम्मी का भी काम रहता है कि शाम के समय जो है गैया लगाना, तो इस टाइम 4 बजे गए थे, मम्मी गैया भी लगा चुकी है इसलिए बछड़ा जो है गैया के पास ही बंधा हुआ है। दोस्तों आप लोग से एक बार बता, इस टाइम जो है कुछ भी काम करने का मन भी नहीं करता है। एक तो गर्मी होती है, ऊपर से धूप भी लग रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। और इस टाइम बज रहा है 4, लेकिन धूप जो है जाने का नाम ही नहीं लेता है। यही धूप जो है ठंड में रहता है तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ठंड में जो है दिखने को भी नहीं मिलता है। लेकिन गर्मियों में ऐसा दिखता है कि किसी को देखने का भी मन नहीं करता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि हमेशा ठंड का ही मौसम रहे क्योंकि ठंड में भले ही थोड़ा सा ठंड ही रहता है लेकिन सारे काम जो है जल्दी से हो जाते हैं, ना ही गर्मी होती है ना ही कुछ होता है। लेकिन इस टाइम जो है बाहर निकलने का भी मन नहीं करता है। दोस्तों हम कपड़े धुल चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और मैं आप लोग को कपड़े धुलते समय इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि हमारा फ़ोन जो है गर्म हो गया था और रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा। तो फिर मैंने सोचा चलिए जब कपड़े धुला जाएंगे तभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो मैं अपने छत पे आ गई हूँ और कपड़े भी फैला चुकी हैं और घर पे कोई नहीं, दीदी भी गई हुई है। तो मैंने सोचा चलिए फैलाने के बाद ही दिखा देती हूँ, तो आप लोग भी दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पे पूरे रस्सी पे मतलब ये सारे कपड़े फैला चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं डेली कपड़े धुलने का भी यही नतीजा है, कितने सारे कपड़े हमारे घर हो जाते हैं। एक दिन ना धुलो तो सोचिए कितना ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जो है सोचती हूँ डेली धुला जाए, लेकिन क्या करें कपड़े मतलब इतना ज़्यादा काम हो जा रहा है इस टाइम, क्या बताऊँ, आप लोग खुद ही जानते हैं। उसके बाद दोस्तों ये रात का क्लिप है, तो आप लोग देख सकते हैं भाभी जो है खाना बनाने में लगी हुई हैं। और आज हमारे घर जो है बहुत ही सिंपल खाना बन रहा है, यानी दाल चावल रोटी, क्योंकि मसाले खाकर सारे लोग जो है उब गए हैं और इस टाइम जो है मसाले खाने का भी मन नहीं करता है। ऊपर से गर्मी भी इतनी तेज़ी से ही बढ़ रही है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं भाभी जो है खाना बना रही है और कितना ज़्यादा गर्मी से भीग गई हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग से कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग हमारी हेल्प कीजिए क्योंकि आप ही लोग की हेल्प की हमें ज़रूरत है। आप लोग के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस आप लोग हमारे लिए इतना कीजिए कि हमारे वीडियो को डेली देखा करिए और ज़्यादा में नहीं बस 2 लोग के यहाँ ही शेयर कीजिए जिससे हमारी थोड़ी बहुत मदद भी हो सकती है। क्या आप लोग एक गरीब के लिए इतना नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों देखिए भोजन वोजन बन गया, उसके बाद दीदी लग जाती हैं दूसरे कामों में, यानी जो है ये मसाले वसाले भून रही हैं। और आप लोग सोचेंगे कि मसाले क्यों बना रहा है, तो दोस्तों हमारे घर जो है आम का अचार बनेगा, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उस वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा कि आम के अचार कैसे बनते हैं। हम जो है अपने वीडियो में आप लोग को दिखाएँगे, तो आप लोग बस लगातार हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं और जो लोग हमें डेली कमेंट करते हैं। बस दोस्तों आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाया करिए और आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और फिर देखिए मैं आप लोग से बताई थी कि हमारे घर जो है दाल चावल रोटी बना है, तो
यहाँ पे मम्मी पापा जो है खाने में लगे हुए हैं और साथ में सलाद भी है। सलाद जो है खीरे का है और साथ में चटनी भी है। चटनी बहुत ही अच्छी लगती है चावल के साथ। उसके बाद दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।